फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम अभी घर निकल रहे हैं गांव, क्योंकि इनका 2 दिन छुट्टी है और आज हाफ टाइम ही ड्यूटी था, तो हम लोग को छुट्टी मिल गया तो घर निकल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और देखें, हम लोग घर जा रहे हैं, जो मनीष वन पे आ चुके हैं। मेरा फोन गिर गया यार, टूट गया, वाह पूरा स्क्रीन टूट गया। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। क्या फाड़ दिया? कौन फाड़ दिया? कहीं लगा उनको फाड़ दिया होगा। तो हम लोग निकल रहे हैं, हेलमेट पहन के रेडी। अब कितना बजे पहुंचते हैं? 12:01, तो 1 तो बज गया ना। चलिए ठंडा भी लगेगा, हम तो एकदम हीरोनियन जैकेट खोले हैं, बाइक पे समझ में आ जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैंड लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, उसका वीडियो शूट होगा। कैसे एनिवर्सरी मनाएंगे, तो इसलिए स्टैंड लेके जाना पड़ रहा है। तो हम लोग निकल गए हैं पटना से भी नहीं निकले, राजीव नगर से निकले। पटना जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, पटना से निकलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, उससे कम एक आधा घंटा तो हम लोग को पटना से निकलने में ही लग जाता है। आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा, आज 3 है। हाँ शाम में जाते थे, ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता था, पटना से ज़्यादा घंटा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्कूल का बच्चा तिरंगा वाला बैलून लेके जा रहे हैं। और इतना ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है एकदम गाड़ी से चलने में, फिर भी हम लोग जा ही रहे हैं। तो हम लोग फाइनली आधे घंटे का बाद हम लोग टोल क्रॉस करने वाले हैं। हम टोल के पास नज़दीक अभी पहुंचे भी, तो टोल के पास पहुंचे भी नहीं है, तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, टोल क्रॉस करने में हम लोग को आधा से 1 घंटा लग जाता है। बहुत ही टाइम, मतलब राजीव नगर से इतना जाम मिलता है कि बहुत ज़्यादा, क्या ही बताएं। आज तो थोड़ा दिन में निकले हैं तो जाम नहीं मिला, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं जाम मिला ही, तो जल्दी जल्दी निकल गए। ऐसे तो शाम में जाते थे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता था हम लोग को पटना राजीव नगर से टोल बूथ आने तक में। तो आज तो उतना टाइम नहीं लगा है, क्योंकि आज दिन था, तो हम लोग को फिर भी आधा घंटा लग ही गया है। तो देख सकते हैं, हम लोग अब टोल क्रॉस करने ही वाले हैं, तो आगे मेरे वीडियो में बने रहे हैं और देखें हम लोग मतलब कि जा रहे हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पे टोल क्रॉस कर गए हैं फाइनली। अब तो अब इधर आगे जाने में हम लोग को टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो भी टाइम लगता है इधर ही टाइम लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम बीच में इतना अच्छा शेड पर लगाया गया है रोड के साइड में, तो हम लोग अपना एरिया में घुस गए हैं और यहाँ से आगे निकल गए हैं हम लोग। और यहाँ दमयामा में आके हम लोग को बहुत जाम मिलने वाला है, तो आप लोग देखते वीडियो में जाम मिलेगा दमयामा में आकर हम लोग को। तो देख सकते हैं हम लोग अब दमयामा पहुँच गए हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं दमयामा का जाम, इतना जाम कि हम बता नहीं सकते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था दमयामा में। देख सकते हैं आप पीछे गाड़ी लगा हुआ ही है, कितना सारा जाम, पता नहीं शायद कोई ट्रेन वगैरह मतलब पट जा रहा होगा, इस वजह से सारा गाड़ी एकदम रोक दिया गया, बहुत ज़्यादा जाम था। तो हम लोग तो जैसे तैसे निकले, मतलब जाम छूटा नहीं था, फिर भी हम लोग निकल गए साइड तक, क्योंकि हम लोग का पास बाइक था, बाइक तो कैसे भी कहीं भी घुसा के निकल जाते हैं। और ऐसे तो बहुत
ज्यादा जाम लगा हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई ट्रेन जाने वाली है, शायद ट्रेन नहीं जाने वाली है क्योंकि स्टेशन के पास कोई नहीं है, फिर भी जाम लगा हुआ है। शायद कन्याम में रोड कंजेस्टेड है, अभी ना पोल लाइन बना नहीं है तो इस वजह से शायद जाम लगा हुआ होगा। देख सकते शायद में ऑटो वगैरह भी लगाया हुआ था, इधर ट्रक वगैरह भी आ भी रहा था, जा भी रहा था, इस वजह से जाम था। कुछ ट्रेन आने वाली नहीं थी, अगर फिर भी निकल गए क्योंकि ट्रेन का पटरी क्रॉस कर लेंगे उसके बाद। तो हम घर पहुंच गए, घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए हैं, जाते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि कल से फीवर लगा हुआ है यार, तो एकदम बहुत आँख देख रहे हैं, आँख चढ़ा चढ़ा हुआ है, तो जा रहे हैं हम रेस्ट करने थोड़ा सा। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।